अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो के अंदर हम कुछ छोटे से कंसेप्ट देखते हैं और फिर हम ग्रुप फंक्शंस की तरफ जाएंगे। ग्रुप फंक्शंस क्या होते हैं? आपके पास एक स्टेटमेंट है यूज़ की। अगर आप डेटाबेस यहाँ से चूज़ ना करना चाहते हो तो आप ये स्टेटमेंट के थ्रू भी डेटाबेस सेलेक्ट कर सकते हैं अपने पास। हम एक नया टेबल क्रिएट कर रहे हैं, बड़ा सिंपल सा टेबल है। एम्प्लॉय आईडी, नेम, सैलरी, जेंडर, एक करेक्टर का एम या एफ होगा मेल फीमेल के लिए। सिटी में भी हम फुल नेम सेव करेंगे और एज में एज, और कंस्ट्रेंट लगा रहे हैं कि ये वाला जो कॉलम एम्प्लॉय आईडी का, ये प्राइमरी की बन जाएगा। इसको अगर हम चलाते हैं तो आपके पास एक टेबल बन जाना चाहिए यहाँ पे। टेस्ट के अंदर, टेबल्स के अंदर ये टेबल बन गया एम्प्लॉय का। इसके ऊपर हम चला के देखते हैं इसके अंदर डाटा आया कि नहीं आया, अभी चूँकि एम्प्टी है। यहाँ पर हमने कुछ इंसर्ट की स्टेटमेंट्स लिखी हैं। अच्छा, इसमें जो नई चीज़ है वो ये है कि हमने एम्प्लॉय आईडी के साथ यहाँ पे आइडेंटिटी 1,1 लिखा है, और इसका मतलब ये है कि हम इस कॉलम की वैल्यू खुद नहीं देना चाहते और हम चाहते हैं ये ऑटोमेटिकली जनरेट होती जाए। वन का मतलब होता है स्टार्टिंग, वन से स्टार्ट होगी वैल्यू जब आप इंसर्ट करेंगे, और वन का मतलब है कि इंक्रीमेंट वन का करना है। अब आप नोट करें कि मैंने इंसर्ट के अंदर एम्प्लॉय आईडी का कॉलम मेंशन नहीं किया, ना ही वैल्यू दी है, बिकॉज जब मैं ये स्टेटमेंट चलाऊंगा तो ऑटोमेटिकली वो वन से स्टार्ट करेगा, अगली स्टेटमेंट के ऊपर टू इंसर्ट कर देगा, फिर थ्री इंसर्ट कर देगा, फिर फोर इंसर्ट कर देगा, एंड सो ऑन। ये मैंने कुछ डाटा है जो कि इसके अंदर इंसर्ट करने जा रहा हूँ। मैंने सारा डाटा सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद एग्जीक्यूट करता हूँ तो मेरे पास रिकॉर्ड इंसर्ट हो जाएंगे। वेरीफाई कर लेते हैं कि रिकॉर्ड इंसर्ट हुए कि नहीं हुए। ये मैं सेलेक्ट करता हूँ तो रिकॉर्ड सेलेक्ट हो गए। इसके बाद आपके पास एक सॉर्टिंग की फंक्शनलिटीज अवेलेबल है। अगर आपने डाटा को सॉर्ट करना हो तो आप असेंडिंग या डिसेंडिंग सॉर्ट कर सकते हैं। उसके लिए ऑर्डर बाय क्लास इस्तेमाल होती है। सबसे आखिर में आपने बताना होता है किस कॉलम से सॉर्ट करो और असेंडिंग करो कि डिसेंडिंग करो। तो मिसाल के तौर पे आप कहते हैं जी मुझे सारा डाटा दिखाओ और एज वाइज असेंडिंगली सॉर्ट करके, यानी छोटी वैल्यूज पहले आएँ एज की और फिर बड़ी वैल्यूज आती जाएँ, एंड सो ऑन। तो आपको डाटा इस तरह सॉर्ट हो जाएगा। अगर आपने डिसेंडिंग करना है, आप कहते हैं सैलरी वाइज डाटा को सॉर्ट कर दो डिसेंडिंगली, कि हायर सैलरी ऊपर नजर आए मुझे और फिर इस तरह आए। आप ये भी कर सकते हैं, मल्टीपल कॉलम को भी सॉर्ट कर सकते हैं। एज के कॉमा लगा दें तो पहला कॉलम इस तरह सॉर्ट होगा यहाँ पे, सॉरी, पहला इस तरह सॉर्ट होगा डाटा, फिर हर के साथ अगला डाटा सॉर्ट हो जाएगा। अब हम चलते हैं ग्रुप फंक्शन की तरफ। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे ये कहूँ, ग्रुप फंक्शन का बेसिकली मकसद कि एक ग्रुप के ऊपर कोई आप फंक्शनलिटी परफॉर्म करेंगे और जिसकी आउटपुट एक वैल्यू होगी। यानी मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे इस टेबल में से जो सैलरी है मैक्सिमम सैलरी निकाल के दे दो, तो वो एक वैल्यू निकलेगी। या मैं आपसे कहूँ कि इस पूरे ग्रुप में से जो डाटा है मेरे पास, मुझे सम करके तो सैलरी का दे दो, वो भी निकल आएगी। एवरेज करके दे दो, तो ये जो मैं बोल रहा हूँ इस एवरेज में ये मल्टीपल रोज इनपुट जाएंगी लेकिन आउटपुट एक वैल्यू निकलेगी जो कि आफ्टर सम कैलकुलेशन बनेगी। तो ग्रुप फंक्शन आपके पास मुख्तलिफ अवेलेबल हैं। जो ज़्यादा पॉपुलर है हमारे पास कौन कौन से हैं? सम का फंक्शन अवेलेबल है आपके पास, आपको सम का फंक्शन अवेलेबल है, एवरेज का फंक्शन अवेलेबल है, मिन का फंक्शन अवेलेबल है, मैक्स का फंक्शन अवेलेबल है, जो कि और काउंट का फंक्शन अवेलेबल है। इन इनको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और अगेन ये फंक्शन एक ग्रुप पे काम करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे एग्जांपल देखते हैं। रिक्वायरमेंट ये कि आपने जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं मेरे पास, उन तमाम एम्प्लॉयज़ में से जिसकी एज सबसे ज़्यादा है वो मुझे बताना कितनी एज ज़्यादा है। तो मैक्स का फंक्शन इस्तेमाल करके आप रिजल्ट निकाल सकते हैं। तो इस चीज़ को जब आप देख रहे होंगे या इसको जब लिखना चाह रहे होंगे, तो पहले आपने हमेशा अपने ग्रुप को ध्यान में रखना है। मेरी रिक्वायरमेंट क्या है? ऑल एम्प्लॉयज़। तो मैंने ऐसी क्यूरी बनानी है जिससे मुझे ऑल एम्प्लॉयज़ मिलें, तो इस क्यूरी से मुझे ऑल एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे। उसके बाद आपने फिर सम फंक्शन लगाना है अपने ऊपर, तो आपने मैक्स का फंक्शन लगाना है एज कॉलम पे। अगर आप इसको चला के देखें तो आपको मैक्स वाली एज मिल जाएगी यहाँ पे। इसके बाद हमारी क्यूरी फॉर एग्जांपल कहते हैं जी कि मुझे मैक्स एज निकाल के दो उन एम्प्लॉयज़ की जो लाहौर में रहते हैं। अब अगेन आप मैक्स एज को भूल जाएं, पहले आप देखें कि आपको कौन से एम्प्लॉयज़ चाहिए, वो कौन से एम्प्लॉयज़ आपने फ़िल्टर करने हैं। तो आप अपने पास अपनी क्यूरी की वेयर क्लॉज बिल्ड करें। वेयर क्लॉज कहती है कि आपने लाहौर की कंडीशन लगानी सिटी के ऊपर, तो इससे मुझे वो सारे एम्प्लॉयज़ मिल जाएंगे जो मुझे चाहिए। अब मैंने जो मिल गए हैं उन पे क्या करना है? मैंने उनके ऊपर मैक्स एज निकालनी है। तो जो मेरे पास रिजल्ट सेट आया है उसको मैं ग्रुप बोल रहा हूँ, यानी इस क्यूरी के चलने से जो रिजल्ट सेट आया है उसको ग्रुप बोल रहा हूँ। उस ग्रुप के ऊपर आपने मैक्स एज का फंक्शन लगाया है तो आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। रिजल्ट हमारे पास एक आएगा इस केस में। ये देखिए, नेक्स्ट रिक्वायरमेंट मेरे पास ये आती है कि मुझे मैक्स एज निकाल के दें उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी सैलरी 500 से ज़्यादा है। अगेन पहले आपका फोकस होना चाहिए कि मेरी रिक्वायरमेंट क्या है। मुझे वो ऑल एम्प्लॉयज़ ढूंढने हैं, वो रिकॉर्ड ढूंढने हैं जिनके ऊपर मैंने ग्रुप फंक्शन लगाना है, तो वो मुझे वेयर बिल्ड करके देगी। तो मैंने वेयर से अपना वो रिजल्ट सेट बिल्ड किया, एक ग्रुप बन गया, उस ग्रुप के ऊपर मैंने ये फंक्शन कॉल किया, तो मुझे एक रिजल्ट मिल जाएगा उन लोगों का जिनकी सैलरी 500 से ज़्यादा है। तो 39 मेरे पास बनता है मैक्स, यानी एज उन लोगों की, यानी जिनकी सैलरी 500 से ज़्यादा है उनके 39 मेरे पास एज मैक्सिमम बनती है। इसको वेरीफाई कैसे कर सकते हैं? अगर आप यहाँ पे जाके इसको सॉर्ट कर लें, अभी हमने सैलरी 500 का है,
अगर आप इसको सॉर्ट कर लें सैलरी के लिहाज से डिसेंडिंगली, और देखें यहाँ पे कितने लोगों की सैलरी 500 से ज़्यादा है। तो मेरे पास ये लोग हैं सारे के सारे जिनकी सैलरी 500 या 500 से ज़्यादा है यहाँ तक। और देखें इसमें से मैक्सिमम एज क्या है, 39। तो यानी क्यूरी ने वेयर क्लॉथ की मदद से पहले ये जो हाइलाइटेड एरिया फाइंड किया, फिर उसके ऊपर उसने यहाँ पे मैक्स लगाया इनके ऊपर, और आपको वैल्यू निकाल कर दे दी। सो जो भी ये चीज़ बनी इसको मैं ग्रुप बोल रहा हूँ, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। अब इसके बाद अगर हम मजीद चलते हैं आगे, तो अब आपके पास एक हम इसी चीज़ को दोबारा देख रहे हैं। हम कहते हैं जी मुझे टोटल सैलरी निकाल के दो उन एम्प्लॉयज़ की जो लाहौर में रहते हैं। तो पहला काम मैंने कहा जी मुझे लाहौर के एम्प्लॉयज़ दे दो और उनकी सैलरी को सम कर दो, मुझे रिजल्ट मिल जाएगा। मुझे टोटल सैलरी निकाल के दो फीमेल एम्प्लॉयज़ की, अगेन पहले मुझे इस चीज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसके लिए मैंने वेयर क्लॉज लगाई और सम लगा दिया, रिजल्ट निकल आएगा। फिर मुझे कहा है जी टोटल सैलरी निकाल के दो उन एम्प्लॉयज़ की जिनकी एज 35 से नीचे है, कम है। तो मैंने अपनी वेयर क्लॉज बिल्ड की इसकी मदद से और ये निकाल के दे दिया। अभी तक जितने भी आपने देखा है इन सब में जो रिजल्ट सेट आता है वेयर लगाने के बाद या पहले, वो एक ग्रुप है और उस ग्रुप के ऊपर आपका फंक्शन अप्लाई होता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि मुझे टोटल सैलरी निकाल के दो सिटी वाइज, यानी मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे आप हर सिटी की सैलरी निकाल के दे दो, अब मतलब ये है कि अब आपका जो रिजल्ट सेट है, अगर मैं रिजल्ट सेट को देखूँ यहाँ पे, जो मेरा रिजल्ट सेट है ये वाला फॉर एग्जाम्पल, इस रिजल्ट सेट में डिफरेंट तरह के सिटीज़ हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि मुझे आप हर सिटी की सैलरी निकाल के दो, तो पहले क्या होगा होना चाहिए, अगर मैं आपसे वैसे कहूँ इस डाटा को देख के, तो आप क्या करेंगे? अच्छा आप कहेंगे अच्छा जी मैंने सिटी वाइज निकालनी है, तो मेरे पास सिटी हैं कितने, लाहौर है, कराची और इस्लामाबाद है। पहले आप कहेंगे अच्छा जी आप इस तरह करो लाहौर वाले रिकॉर्ड लैदा कर लो, ये रिकॉर्ड लैदा हो जाएंगे, कराची वाले रिकॉर्ड लैदा कर लो, इस्लामाबाद वाला रिकॉर्ड लैदा कर लो। ये तीन ग्रुप बन जाएंगे, अब तीन डिफरेंट ग्रुप बन गए हैं। अब आप इस ग्रुप पे कौन सी क्या चीज़ करना चाहते हैं, आप सैलरी को सम करना चाहते हैं तो इसका सम निकाल लो, एक रिजल्ट निकल आएगा। फिर जो आपने अगला ग्रुप बनाया था कराची वाला, उसका सम निकालना चाहते हैं, उसका सम निकाल लो, उसका एक निकल आएगा रिजल्ट। इस तरह थर्ड ग्रुप जो होगा उसका रिजल्ट निकाल लो। तो जब भी हम ये सिटी वाइज की बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है कि अब आपने अपने सारे रिजल्ट सेट को, जो रिजल्ट सेट निकला है उसको मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड करना है, और फिर जो ग्रुप का फंक्शन है वो हर ग्रुप पे सेपरेटली लगेगा। अगर आपको ये बात समझ आ जाएगी तो बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी आगे। सो यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये कि आपने सिटी वाइज टोटल सैलरी निकालनी है कि हर सिटी की मुझे सैलरी नज़र आ जाए। तो ये इतना काम करूँगा तो तमाम एम्प्लॉयज़ पे लग जाएगी, मैंने तो ये नहीं करना। मैंने ये करना है कि तमाम एम्प्लॉयज़ के पहले ग्रुप बनाओ, और ग्रुप किस वजह से बनाओ, सिटी की बेस पे। तो जब मैंने ये लिखा कोड, इससे क्या होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ के ग्रुप बन जाएंगे सिटी की बेस पे। वो देखेगा सिटी में कितनी वैल्यूज़ आई हुई हैं, तीन वैल्यूज़ हैं, इस्लामाबाद, लाहौर और कराची, तो वो तीनों के सेपरेट ग्रुप बना देगा जैसे भी हमने देखा था, और फिर हर ग्रुप के ऊपर सम का फंक्शन लगाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वो यहाँ पे सब सब रिकॉर्ड के ऊपर सम का फंक्शन नहीं लगा रहा, बल्कि वो ग्रुप बनाएगा और हर ग्रुप के ऊपर सेपरेटली ये फंक्शन कॉल करेगा सम का। अगर मैं ये कॉल करता हूँ यहाँ पे, तो मेरे पास तीन रिजल्ट आएंगे बिकॉज तीन सिटी थे, लेकिन मुझे पता नहीं चल रहा कि कौन सा रिजल्ट किसका है। तो आप यहाँ पे साथ जिस पे ग्रुप बाय करते हैं वो साथ आप यहाँ कॉलम डिस्प्ले भी कर सकते हैं। तो मैं ये कि जब कहूँगा तो कॉमन सेंस कहती है कि जो पहला ग्रुप था वो पहले सिटी का था, दूसरा ग्रुप दूसरे सिटी का था, तो आपको हर ग्रुप का जो उसने जिस ग्रुप को चूज़ किया है, उसने इस्लामाबाद को चूज़ किया उसकी सैलरी निकाल के दे दी है, इसको चूज़ किया उसकी सैलरी निकाल के दे दी है, लाहौर के जितने रिकॉर्ड थे उनके ऊपर ग्रुप फंक्शन लगा के उसने सैलरी निकाल के दे दी है। मैं यहाँ पर मीन भी लगा सकता था, एवरेज भी लगा सकता हूँ, काउंट भी लगा सकता हूँ, वो ग्रुप फंक्शन काम इस तरह करेगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि टोटल सैलरी निकाल के दो जेंडर वाइज, तो अगेन मैं चाह रहा हूँ कि जितने भी जेंडर के अंदर वैल्यूज़ हैं, अभी दो वैल्यूज़ हैं एम और एफ, तो मुझे एम के ऊपर एम का अलग ग्रुप बनाओ, एफ का अलग ग्रुप बनाओ, उस ग्रुप के ऊपर यानी एम वाले ग्रुप के ऊपर अलग सम लगाओ और उसके ऊपर अलग लगाओ। तो अगेन वही अप्रोच, ग्रुप बाय कर दें बाई जेंडर और सम का फंक्शन कॉल कर दें, तो आपके पास रिजल्ट आ गया। अगर साथ आपने ये कॉलम देखना भी है कि कौन सी जेंडर जो उसने चूज़ की थी इसका उसने सम अप्लाई किया है, तो आप यहाँ पर ये कर दें। सो अगर मैं इसको सेलेक्ट करूँ इस चीज़ को यहाँ पर और इसका रिजल्ट देखूं, तो मुझे ये बता दिए कि इतना बनता है जी हमारे पास टोटल सैलरी बनती है, फीमेल की जो है उनकी इतनी बनती है टोटल सैलरी सम की जाए, और इन एम्प्लॉयज़ की जो मेल एम्प्लॉयज़ उनकी सैलरी इतनी बनती है। इसके बाद अगर आपसे ये कहा जाए कि अब आपने मुझे ठीक है, लेकिन मेरी रिक्वायरमेंट अब ये बन रही है कि मैंने सिटी वाइज भी रिजल्ट देखना है और हर सिटी के अंदर जेंडर वाइज भी रिजल्ट देखना है। इसका मतलब ये है कि मैंने रिजल्ट इस तरह देखना है, अगर मैं आपको रिजल्ट पहले दिखाऊँ उसकी अपनी क्यूरी दिखाऊँ, मेरी क्यूरी क्या बनेगी कि मैंने एम्प्लॉयज़ देखने हैं। सो मैंने अपने डाटा को, अगर मैं सिंपल डाटा को देखना चाहूँ विदाउट ग्रुपिंग, तो क्या होगा, मैंने रिजल्ट देखा तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि ये मेरे रिकॉर्ड हैं जो इस्लामाबाद के हैं अगर आप गौर करें, और इन इस्लामाबाद के अंदर जो ये मेरा एक ग्रुप बनता है, अगर मैं सिटी वाइज कहता कराची वाला ये डाटा बनता है, कराची का जो डाटा है, और लाहौर का डाटा नीचे बनता है। अब मैंने ये कहा कि जो आपने सिटी वाइज ग्रुपिंग कर लिया उसके अंदर एक ग्रुप और मजीद बनाओ, वो है जेंडर वाइज। तो यानी अब आपके पास जो एक्चुअल ग्रुप बनेगा वो ये बनेगा, एक ग्रुप ये बनेगा यानी सिटी इस्लामाबाद का सिटी और फीमेल हो, एक ग्रुप ये बनेगा,
जिसमें आपके पास इस्लामाबाद का सिटी और जेंडर मेल हो। इसमें जब आप अगले पे जाएंगे तो आपको कराची और फीमेल का एक ग्रुप बनेगा, बिकॉज आपने सिटी और जेंडर वाइज का है ग्रुपिंग करने को। तो पहले सिटी वाइज ग्रुपिंग होगी, फिर जेंडर वाइज ग्रुपिंग होगी। इस तरह आपके पास कराची और मेल का ग्रुप एक और बनेगा। इस तरह अगर आप नीचे आए लाहौर सिटी और उसके अंदर जो फीमेल है उनका ग्रुप बनेगा, और यहाँ पे तो 6 ग्रुप बनेंगे आपके पास। यानी इस केस में जो फंक्शन चलेगा वो इन 6 ग्रुप्स के ऊपर अलग अलग चलेगा, ठीक है? तो आपको 6 रिजल्ट नज़र आने चाहिए जब मैं इस तरह रिजल्ट देखता हूँ। सो अगर आप यहाँ जाके देखें तो मैंने यहाँ पे ये कहा है कि मुझे सिटी और जेंडर वाइज ग्रुपिंग कर दो। तो पहले सिटी वाइज ग्रुपिंग होगी और हर सिटी के अंदर फिर जेंडर वाइज ग्रुपिंग होगी, और आप जितने मर्जी लेवल तक आगे इसको कर सकते हैं। इसका रिजल्ट देखें तो अब आपको 6 रिजल्ट नज़र आएंगे, लेकिन कौन सा रिजल्ट किसका है ये समझ नहीं आ रहा। तो आप जिन पे ग्रुपिंग करते हैं उनके साथ डिस्प्ले भी कर सकते हैं ऊपर यहाँ पे इस तरह करके। तो अब मुझे डिटेल वाइज जो हमने ऊपर देखा था उस वाइज रिजल्ट नज़र आएगा कि इस्लामाबाद की सिटी के अंदर जो फीमेल हैं उनका इतनी सैलरी का सम बनता है, कराची के अंदर जो फीमेल है उनका ये बनता है, लाहौर के अंदर जो फीमेल है उनका ये सम बनता है, इस्लामाबाद के अंदर ये बनता है। तो आप अगेन दो चीज़ें आपने सीखनी है कि ग्रुप फंक्शन अप्लाई कैसे करते हैं, दूसरा आपने ये कि आपने डाटा ग्रुपिंग करनी कैसे है। तो जो आपकी रिक्वायरमेंट होगी उसके मुताबिक आपने ग्रुप बाय लगाना है। ये चीज़ कंफ्यूज करती है जब लोग नई नई डेवलपमेंट करते हैं एसक्यूएल के अंदर कि मैंने ग्रुपिंग किस तरह करती है। वो आपको रिक्वायरमेंट बताएगी कि अगर आपसे ये कहा गया है कि आपने सिटी वाइज और जेंडर वाइज आपने मुझे बताना है टोटल काउंट, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है सम की काउंट की जो भी लगानी है, तो पहले आपके जहन में खाका बनना चाहिए। जैसे मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया कि डाटा जो था आपका, जो भी डाटा था उसको आपने ग्रुप में डिवाइड कैसे किया है, पहले सिटी के लिहाज से तोड़ा आपने और फिर आपने हर सिटी के अंदर जेंडर वाइज तोड़ा उसको। तो आपके छोटे छोटे 6 ग्रुप बन गए और हर ग्रुप के ऊपर सम का फंक्शन लगा है, और जिनको आप ग्रुप बाय में डालते हैं इनको आप साथ यहाँ पे डाल भी सकते हैं। क्वेश्चन, क्या मैं यहाँ पे नेम का कॉलम डिस्प्ले कर सकता हूँ? तो खुद सोचें कि नेम का कॉलम डिस्प्ले करने से क्या होगा, बिकॉज जब लिखा होगा यहाँ पे नेम यूजर 1 तो आगे सैलरी तो ग्रुप की आ रही है, तो नेम दिखाने का मकसद समझ नहीं आएगा। इसलिए ऐसे कॉलम जो आपके यहाँ नहीं होते उनको आप सेलेक्ट में नहीं दिखा सकते, ये अपनी कंस्ट्रेंट याद रखनी है जेन में। अच्छा, इसी तरह अगर आपसे ये कहा जाए कि आपने डाटा को फिल्टर करना है तो और उसके ऊपर आपने बाद में ग्रुपिंग करनी है, तो अगर मैं आपसे सिर्फ इतना कहूँ तो समझ आती है। इसमें क्या होगा कि पहले डाटा फिल्टर होगा सिटी की बेस पे, उस पर सम लगेगा। लेकिन अगर मैं ग्रुप बाय भी कह रहा हूँ तो इसमें भी यही होगा कि डाटा पहले फिल्टर होना है, आपके पास एक रिकॉर्ड इस वेयर की बेस पे आ जाएंगे 50 30 20 जितने भी रिकॉर्ड हैं, उनके बाद फिर ग्रुपिंग वाला कंसेप्ट जो ऊपर हमने देखा वो लगेगा उनके ऊपर। तो ये ऑल डाटा के ऊपर ग्रुपिंग नहीं लग रही, जो भी आपका इस वेयर और फॉर्म से डाटा आया है उसके ऊपर ग्रुपिंग लग रही है जेंडर की, तो कंसेप्ट सेम है, ठीक है? सो रिक्वायरमेंट एक और देख लें। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे वो आप टोटल सैलरी निकाल के दें सिर्फ फीमेल्स के लिए, लेकिन जिनकी सिटी की टोटल सैलरी 4,000 से ज़्यादा हो। अभी दो रिक्वायरमेंट आ गई, एक है कि डाटा के ऊपर रो वाइज जो क्यूरी चलती है, रो वाइज जो वेयर लगता है, और एक आ गया कि जो ग्रुप बनेंगे इन जब मैं टोटल सैलरी निकालूंगा सिटी की सिटी वाइज उसके ऊपर कंडीशन लगानी है। तो जो आपने ये कंडीशन लगानी है कि सिर्फ फीमेल हो, ये नॉर्मल रिकॉर्ड की कंडीशन है, इसको तो आप फ्रॉम के बाद वेयर में लगा देंगे। आप कहेंगे वेयर जेंडर बता दें आगे क्या है, और आप बता दें कि जी फीमेल, इस तरह करके। सो ये पहला पार्ट है जिससे हमारा डाटा ग्रुपिंग से पहले फिल्टर हो जाएगा। एक आपने साथ ये कह दिया कि सिटी की टोटल सैलरी, यानी अब ये सिटी की टोटल सैलरी निकलेगी फिर फिल्टरिंग करनी है, इसके लिए आप हैविंग क्लॉज इस्तेमाल करते हैं ग्रुप बाय के बाद। आप हैविंग लिखेंगे, अपना फंक्शन जो आपने बनाया वो लिखेंगे, और आगे जो कंडीशन लगानी है ग्रेटर की इक्वल की लेस देन की वो कंडीशन लगा दें। सो अगर मैं इसको चलाऊँ, अब इसके पीछे साइंस क्या चलेगी कि पहले वो रिकॉर्ड को फिल्टर करेगा इस बेस पे, यानी जितने भी एम्प्लॉयज हैं, फॉर एग्जाम्पल 27 एम्प्लॉयज हैं, उनमें से फीमेल निकालेगा, उनके ग्रुप बनाएगा सिटी वाइज। वो हमने देख लिया कि हमारे पास 3 सिटियाँ 3 ग्रुप बन जाएंगे। अगर मैं इस हैविंग के बगैर चलाता हूँ क्यूरी को तो रिजल्ट देखिए, हमारे पास रिजल्ट ये आता है कि इसकी इतनी बनती है सैलरी, इसकी सैलरी इतनी बनती है, इसकी सैलरी इतनी बनती है। और साथ अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास, चलें इसको बाद में देखते हैं। और फिर हमने अब इनमें से वो रिजल्ट देखने हैं जिनकी सैलरी 4,000 से ज़्यादा है, तो हम कंडीशन को थोड़ा चेंज कर लेते हैं और कहते हैं 2,000 से ज़्यादा है या 1,000 से ज़्यादा जिनकी टोटल सम ऑफ सैलरी बनती है वो निकाल के दे दो मुझे लोग। तो मैं क्या कहता हूँ यहाँ पे, सिंपली कहता हूँ कि अब मुझे ये 3 ग्रुप की बजाय मुझे 2 ग्रुप नज़र आने चाहिए, बिकॉज हैविंग का भी इस्तेमाल करना जब अपने ग्रुप के ऊपर कोई कंडीशन लगानी है, ग्रुप के रिजल्ट के ऊपर कंडीशन लगानी है कि ग्रुप का एक रिजल्ट आया है कंप्यूटेशन करके सम मीन काउंट, उसके ऊपर कंडीशन लगानी, तो आप हैविंग क्लॉज इस्तेमाल करेंगे, और ग्रुप बाय के बाद आती है हैविंग क्लॉज। वेयर पहले चलती है और वेयर डाटा के ऊपर चलती है, ग्रुपिंग से पहले चलती है। अच्छा, इसमें एक चीज़ और नोट करें कि जब मैं इस क्यूरी को चलाता हूँ और तो मेरा जो ग्रुप ऑफ फंक्शन लिखा हुआ सम सैलरी, उसके ऊपर कॉलम का हेडर कोई नहीं आता। तो ये थोड़ी सी कन्फ्यूजिंग चीज़ है कि मैं कॉलम का हेडर अगर देखना चाहता हूँ तो क्या करूँगा। हम देख चुके हैं पहले ही कि आप अपने इस तरह के काम से पहले एज लिख के अपने कॉलम का हेडर देख सकते हैं, ठीक है? तो जेंडर वाइज हम कह देते हैं टोटल सैलरी, कोई भी आप यहाँ पे दे दें जो आपको एक रीडेबल हेडर बनता है वो यहाँ प्रोवाइड कर दें इसको।
ये मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, ये मेरे पास आ गया। काउंट का फंक्शन मैंने यूज़ नहीं किया, लेकिन आप काउंट का फंक्शन यूज़ कर सकते हैं आराम से। मिसाल के तौर पे मैंने काउंट करना है कि कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, तो क्या क्वेरी बनेगी, अभी बना लेते हैं हम। हम कहते हैं जी मेरा पहले सोच होना चाहिए कि मैंने स्टैरी करना है, कहाँ से मैंने देखना है, डीबीओ डॉट एम्प्लॉय से। क्या मैंने कोई डाटा फिल्टर करना है किसी कॉलम की बेस पे कि ये डाटा आए ये डाटा ना आए, नहीं करना। मैंने ग्रुप बाय किस बेस पे करना है, ग्रुप बाय मैंने करना है जेंडर की बेस पे, मुझे जेंडर की बेस पे लोगों को सेपरेट करना है कि जो हैं वो। अच्छा मैंने करना क्या है, मैंने काउंट करना है, और मैंने काउंट, अब काउंट के अंदर स्टैरिक लगा दें, और मैंने क्या किस बेस पे ग्रुप बाय किया, जेंडर के बेस पे किया है, तो साथ मुझे जेंडर का नाम भी लिखा नजर आ जाए कि मेल कितने और फीमेल कितने हैं। तो आप अपनी ये वाली क्यूरी बना लें इस तरह। तो आपको ये बता रहा है कि फीमेल 12 हैं और मेल 15 हैं। तो अगेन फंक्शन काउंट का लगाऊं, सम का लगाऊं, वो जो भी लॉजिक होगी बिहाइंड द सीन, अगर आप कंसेप्चुअली समझ रहे हैं कि पीछे क्या हो रहा है, कैसे डाटा फिल्टर हो रहा है, कैसे डाटा ग्रुप बन रहे हैं, और इवेंचुअली उन ग्रुप्स के ऊपर जाके फंक्शन लगना है, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आई होप सो कि ये जो वीडियो देखेंगे कुछ चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू।